खड़े हो
की मर्जी है अपना ये मिलना, बरसा है हम पे उनका नूर, पिया और पिया पिया रे पिया रे पिया। ओके फ्रेंड्स, फिर हम पहुंचते हैं गर्ल्स के बीच और उनका सुरीला अंदाज सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। तो हेलो फ्रेंड्स, वाह वाह, मूड एकदम मस्ती मिजाज में है और आप एकदम लग रही हैं कुछ गुनगुनाने वाली हैं। तो चलिए उसको सुरीले अंदाज में कुछ सुनाते हैं सब मिलके। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। बिजी लाइफ
होता है तो इतनी बिजी लाइफ में एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिल पाता। इस बहाने बच्चे स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और यहाँ पर आकर के अपने आप डांस करते हैं जब, तो वो एक्सरसाइज भी होता है और साथ साथ वो एंटरटेन भी होते हैं जिससे उनका माइंड बहुत कूल होता है। साथ ही साथ ये बड़ों के लिए भी अच्छा है, इसके साथ साथ मेरा भी यहाँ पे डांस हो जाता है और ये बड़ों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उन लोगों का भी एक्सरसाइज हो सकता है इसके माध्यम से। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालने की सुबह सुबह जरूरत नहीं है कि सुबह सुबह उठो और एक्सरसाइज करो, इससे बेटर है डांस क्लास में आओ, एंजॉय करो, एक्सरसाइज करो। तो देखा मैम ने कितने अच्छे से बताया कि आज के डेट में डांस कितना इम्पोर्टेंस हो गया, यानी आपको एक्सरसाइज के लिए इसका टाइम की मिलता ही नहीं है, इसलिए आप डांस के जरिए फिट एंड फाइन रह सकते हैं। बात करते हैं ड्रामा की, सर बताएं कि ड्रामा से कितना बेनिफिट हो रहा है बच्चों को। देखिए हर बच्चा अलग अलग तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकता है और ड्रामा एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा अपने अंदर के फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है और इस एक्सप्रेशन के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। दूसरा फियर जो होता है, स्टेज फियर होता है, स्टेज फियर हट जाने की वजह से वो पूरी तरह से खुलकर बाहर आ जाता है, उसकी पर्सनैलिटी निखर जाती है और ये उसको डेवलप करने में, आगे के चैलेंजेस को फेस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सर हमें बताएं कि आज के वक्त में लोग मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में रंगमंच यानी ड्रामा के प्रति लोगों का क्या रुझान है और कितना है? देखिए रुझान बिल्कुल है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे थिएटर जो होता है वो वन टाइम शो होता है, तो एक बार में आपको पूरा परफॉर्म कर लेना होता है। फिल्म में, मूवीज में या टीवीज में जो भी चीजें होती हैं वो कितनी बार कट होती है, दोबारा रीटेक होती है, बार बार उनको डायलॉग्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, यहाँ पे उनको एक बार दर्शकों के सामने करने का मौका मिलता है और उसी समय, क्योंकि रियल लाइफ भी एक बार ही जिया जाता है उसी तरह थिएटर भी एक बार जिया जाता है, तो कितना तारतम्यता है दोनों में, कितना कनेक्शन है दोनों में। आप देखिए रियल लाइफ और ड्रामा हमेशा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चों को रियल लाइफ जीने के लिए ड्रामा सिखाया जाए। मैडम हमें बताइए कि आज के दौर में हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज सीख रहे हैं और इसके साथ साथ हम किस तरह से एंटरटेनमेंट को ले रहे हैं, आपका नजरिया क्या कहता है? एक लिमिट में कि जैसे बच्चे टीवी देखें, लेकिन एक लिमिट में, एक समय में, जैसे होमवर्क है तो कर लें, और जैसे आप स्कूल से जाकर तुरंत तो आप होमवर्क नहीं करवा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, तो चलो आधा घंटा है, एक घंटा है, आप दिखला दें बच्चों को, टीवी देखने से रोके नहीं, वो भी जरूरी है, उसके बाद होमवर्क करवाएं, फिर चलो शाम के वगैरह चलो आउट गेम है, मतलब तो आउटडोर गेम है वो भी, क्योंकि आजकल ना आउटडोर गेम बहुत कम बच्चे लोग का हो गया करना, और ये है कि टीवी से चिपके रहते हैं तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। मैडम आप बताइए किस तरह से आप एंटरटेनमेंट कर रही हैं? देखिए मैं सबसे पहले बात पढ़ाई के बारे में बच्चों को बताएंगे, फिर उसे बोझ ना समझे, खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये ना लगे कि ये पढ़ाई कोई बोझ है, पीछे तो उसे उस ढंग से पढ़ाई जैसे लग रहा हो कि हम लोग, ये बोझ नहीं है, हम लोग खेल रहे हैं और खेल खेल से कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। पहले जैसे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ की शिक्षा भी दी जाती है, तो हम लोग को लगता है कि स्कूल में भी वैसा ही माहौल होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, और बच्चों पर इतनी भी बोझ ना डालना चाहिए कि बच्चों के वजन से ज्यादा उसकी किताबें कॉपियों की वजन हो जाए। ओके फ्रेंड्स, हमने बहुत सी एक्टिविटीज देखी और बहुत सी बातें भी की और ये बातें होनी बाकी है, लेकिन वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जितना लिटिल विंग स्कूल कृष्णा नगर बूटी मोड़ रांची यमुना आवास पर पिंजा का विसर्जन चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती आपके सपने बुरे हमें अग्रणी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यंग अंदाज में, हम हैं ग्रिजली विद्यालय में जहां के बच्चों ने पूरी ट्रेनिंग ली है आपदा में कैसे करते अपना बचाव, आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि ग्रिजली विद्यालय के स्टूडेंट ने किस तरह से ट्रेनिंग ली है आप
पहुंच चुके हैं स्पोर्ट ग्राउंड में जहां पे बच्चे खेल रहे हैं खो खो। आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मजा ले रहे हो खो खो का। आप हमें बताइए खो खो खेलना आपको कितना अच्छा लगता है? खो खो खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब इतने सारे गेम हो और ये एक हमारा पुराना गेम है, इसमें बहुत मजा आता है। अब हमारे साथ है स्पोर्ट्स प्लेयर के टीचर और उनसे बातें करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या गेम्स यहाँ पे होता है। सर हमें बताएं कि यहाँ पे बहुत से गेम्स होते हैं ग्राउंड में, लेकिन यहाँ देखिए बच्चे खो खो खेल रहे हैं। आप हमें बताएं कि खो खो में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो प्लेयर जिस गेम को ज्यादा जानता है या ज्यादा उसके बारे में इंटरेस्ट होता है वही गेम खेलता है। यहाँ जो बच्चे खेलते हैं उनका खो खो में इंटरेस्ट ज्यादा है, इसके बच्चे भी खो खो ज्यादा खेलते हैं। अच्छा खो खो खेलने की प्रैक्टिस आप दिलाते हैं, यहाँ पे बच्चे खो खो ही ज्यादा खेलते हैं, इसके अलावा और जो गेम्स है उसका ज्यादा आनंद नहीं ले पाते हैं क्या? हमारे यहाँ हर गेम को सिखाया जाता है, बाहर से कोच आते हैं और हम सिखाते हैं, कोच भी बाहर से आके सिखाते हैं उसको। हर इवेंट के अलग अलग कोच होते हैं और कोच एक अच्छे प्लेयर को अच्छा कोचिंग देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और एक अच्छा अनुभवी प्लेयर बना के बाहर भेजते हैं। थैंक यू सर। यहाँ पे बातें हम खो खो की किए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे बच्चे और उनसे बातें करते हैं। होती है और योगा भी होता है इसके साथ।
ज्यादा शाम को इवनिंग गेम्स रखते हैं और बच्चों का इंक्लिनेशन और नैक जिधर है उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स रखे हैं यहाँ पे और डिफरेंट कोचेज हैं वो आते हैं और बच्चे हमारे यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड दे ऑलवेज लव टू प्ले। हेलो फ्रेंड, आपका नाम? मेरा नाम सुरज सोतर। अच्छा सूरज, आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं? मुझे सबसे ज्यादा वॉलीबॉल खेलना पसंद है। वॉलीबॉल बहुत अच्छा लगता है। हमें ये बताइए कि जहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं और बहुत सारे आउटडोर गेम्स हैं, लेकिन आप इसमें क्यों इंटरेस्ट लेते हैं इतना? सबकी पसंद अपनी अपनी होती है, किसी को क्रिकेट, किसी को वॉलीबॉल, पर मुझे वॉलीबॉल ही पसंद है। प्रत्येक दिन मैं 2 से 3 घंटे क्रिकेट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अभी तक जिस टीम में खेल रहा हूँ मैं सोचता हूँ कि इंटरनेशनल तक मेरा सपना पहुँचेगा। और इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी हाँ, मैं 2 रोज प्रैक्टिस करता हूँ, प्रत्येक दिन मैं 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू। ये था ग्रिज़ली विद्यालय जहाँ पे हमने काफी एक्टिविटीज को देखा, बहुत स्टूडेंट से बातें की, टीचर से भी बातें की और बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvyoungandaz@gmail.com। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है, बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धा।